हाय फोक्स, जेनिफर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ब्रेक पे। जी हाँ, आज मैं हूँ गोवा के ब्यूटीफुल से बीच पे। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्वाइट बीच। आप देख सकते हो मेरे बिहाइंड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बीच है ये। ये पूरा एक साइड से ग्रास पहाड़ से ये बीच पूरा का पूरा बॉर्डर्ड है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बीच। तो ये बीच कहाँ पर है मैं आपको जल्दी बताऊँगी, लेकिन यू हैव अ लुक, सच अ ब्यूटीफुल बीच यू कैन सी। बहुत ही साइलेंट बीच है। लास्ट टाइम मैंने आपको बीच दिखाया था जो कि अगेन एक साइलेंट बीच था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको और भी गोवा के ब्यूटीफुल साइलेंट बीचेस दिखाऊं, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने डेट के साथ या फिर अपनी होल साइलेंट पर्सनैलिटी के साथ अकेले आ सकते हो। यस, सो ये जो वाला जो बीच है ये है केरिम बीच। यस, ये गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्टल स्ट्रेच पे ये बीच है जो कि एंड है गोवा के नॉर्थ साइड के बीचेस का। इसके बाद एक ब्रिज आता है जो कि है ब्रिज ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम पार करते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पहुंच जाते हैं, वहाँ के बीचेस शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्थ गोवा के कोस्टल साइड का जो है आखिरी बीच है। इट्स नोन एज केरिम बीच। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बीच। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही साइलेंट है और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और बहुत सारे जो यहाँ के जो विलेजर्स हैं ये काफ़ी दे आर इनटू यू नो लॉट ऑफ फार्मिंग एंड प्लस लॉट ऑफ ब्यूटीफुल लाइक क्राफ्टिंग, और इनकी काफ़ी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा फेमस होती है। यहाँ पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ बनाई जाती है, प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है और बहुत ज़्यादा आपको फ्रेश प्रॉन्स एंड फ्रेश सी फूड मिलेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल साइलेंट बीच। आप देख सकते हो मेरे पीछे, आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा एक पूरा का पूरा पहाड़ है जो कि पूरा ब्यूटीफुल ग्रास से भरा हुआ है, प्लांट से भरा हुआ है। ये एक बीच है। इस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं, सो काफ़ी हॉट है, काफ़ी नाइस प्लेजेंट टाइम है शूट के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भी। सो मैं आपको अभी एक यहाँ पर एक मंदिर के पास ले जाती हूँ जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर मंदिर का काफ़ी जत्रा होती है। कोंकणी में जत्रा का मतलब है, मतलब जत्रा कहते हैं जिसे फेस्टिवल कहा जाता है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे कहते हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल आप ये मंदिर देख सकते हो पीछे जो मेरे मंदिर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। इसे कहते हैं आजोबा मंदिर, जो किसी एक लोकल ने हमें बताया, इसे हम आजोबा मंदिर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप वॉकिंग कर सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से, और ये पूरा का पूरा जो कोस्टल स्ट्रेच है ये वहाँ तक जाता है। आप देख सकते हो वहाँ सीधे फोर्ट दिखाई दे रहा है, दैट एंड्स एट द फोर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फोर्ट है जो इस कोस्टल एरिया को ख़त्म करता है, और यहाँ से महाराष्ट्र और जो गोवा का कोस्टल एरिया, नॉर्थ कोस्टल एरिया ख़त्म होता है, लास्ट बीच ऑफ गोवा। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आरामोल के बहुत ही ज़्यादा पास है। जब आप आरामोल बीच पार करेंगे, आरामोल बीच इज़ वेरी फेमस फॉर टूरिज्म और वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सा है। मैं आपको जल्दी ही वो बीच भी दिखाऊंगी विद दैट शॉपिंग होल शॉपिंग लेन। यहाँ पर इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, यहाँ पर आपको शैक्स मिलेंगे जो कि आपके टी कॉफ़ी या लंच डिनर के लिए है। बट इसके बाद जो है आरामोल बीच आता है। आप कह सकते हो अगर आप गोवा से आ रहे हो पणजी या मापसा के साइड से, तो आपको मिलेगा वहाँ पर आरामोल बीच के बाद ये वाला लास्ट कैरी बीच लास्ट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ से अगर पूना साइड से या अगर आप महाराष्ट्र साइड से जा रहे हो तो ये आपको पहले मिलेगा बीच कैरी बीच, उसके बाद आपको आरामोल बीच मिलेगा। आरामोल बीच के ऊपर बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप डेफिनेटली वो कवर करूँगी जहाँ पर आप देख सकते हो लॉट ऑफ शॉपिंग एंड लॉट ऑफ टूरिस्ट पीपल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। सो आई होप यू लाइक माई स्मॉल वीडियो ऑफ दिस कैरी बीच एंड यू कैन विजिट हियर सून। एंड अगर आपको जत्रे का टाइम पता होगा तो आप यहाँ पर इस मंदिर के जत्रे के टाइम पर भी आ सकते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।